Hi children, so in lesson how happy how light. Uh, this is next part, and uh, go to page number one thirty seven there. Okay, it's very interesting. Let's see for practice time. Question is there, which pan of the balance? ये दिख रहा है आपको? ये balance है ना? देखो आपने कल बनाया भी था साथ balance. ये ये हो गया आपका left वाला पैन. pan. This is right pan. This is beam. ये आपका balance हो गया. ठीक है? Which pan of the balance will go down? ठीक है? तो down कौन सा जाएगा? जो ज़्यादा जिसका जिस तरफ ज़्यादा वेट होगा वही तो डाउन जाएगा जिस तरफ ज़्यादा हैवी होगा या फिर ज़्यादा वेट होगा वो डाउन हो जाएगा है ना ये आपको पता है आप भी देखते हो मार्केट में जब जाते हो कैसे वेट करते हैं वो तो जितना ज़्यादा होगा उधर डाउन हो जाएगा क्या ज़्यादा होगा वेट सो बाई ड्रॉइंग एंड एरो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है इस इस बैलेंस को ध्यान से देखो इसमें आपको दो पैन दिख रहे हैं दिस इज तो द लेफ्ट पैन राइट पैन यहाँ पे कुछ वेट रखा हुआ है है ना आपको पता है वेट करने के हम ग्राम यूज करते हैं है ना किलोग्राम यूज करते हैं है ना मिलीग्राम भी यूज करते हैं और भी वेट वेट के यूनिट हैं तो आपको यहाँ पे केवल ग्राम दिख रहा होगा देखो ये आपका एक 40 ग्राम का वेट है और एक 25 ग्राम का है दिस इज़ फॉर लेफ्ट साइड एंड नाउ अगेन 40 ग्राम एंड 35 ग्राम दिस इज फॉर राइट साइड तो आपको ये वेट को आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि किधर का वेट ज़्यादा है किधर का कम है ये आपको प्लस करना पड़ेगा लाइक like, सिंपल से प्लस है ये तो क्लास वन टू के लिए तो आप देखो इन दोनों को प्लस करो फोर्टी और ट्वेंटी को तो फोर्टी और 25 को आपको अपने रफ कॉपी में प्लस कर लेना ये हो गया 5 और 6 कितना आ गया 65 क्लियर इट मीन्स जो लेफ्ट पेन में जो वेट है टोटल कितना वेट है 65 ग्राम ठीक है ऐसे ही हम राइट पेन वाला वेट फाइंड करेंगे टोटल तो 40 और 35 कितना हो जाएगा बहुत ईजी है फोर्टी और थर्टी इसको प्लस करो कैसे होगा फाइव और सेवन सेवेंटी फाइव तो आपको तो आपने देखा इधर वाला पेन में क्या था सिक्सटी फाइव ग्राम था और इधर वाले पेन में सेवेंटी फाइव ग्राम था तो फिर ज़्यादा कौन हुआ सेवेंटी फाइव वाला है ना इट इटमीन जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा वो डाउन हो जाएगा इसलिए देखो यहाँ पे यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है ठीक है तो ऐसे आपको सारे के सारे आंसर में एरो लगाना है जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा वो डाउन होगा वहीं पे आपको एरो लगाना है तो लेस सी फॉर सेकेंड वन दिस वन फॉर सेकेंड इन दोनों को प्लस करो आप घर पर प्लस कर लेना इसको प्लस करने पर आएगा, आएगा आपका वन ग्राम ठीक है और इसको प्लस करोगे आपको ये वन ग्राम आएगा ठीक है इट मीन्स ये लेफ्ट वाला क्या है कम है राइट right वाला क्या है ज़्यादा है तो राइट right वाला क्या होगा राइट right वाला पेन क्या होगा वो डाउन हो जाएगा ये आपका आंसर ऐसे आप यहाँ पे एरो लगा देना ठीक है है ना मजेदार नाउ थर्ड वन यहाँ भी आप प्लस करो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा ये आएगा 305 ग्राम ठीक है आप इसको घर पे प्लस करके चेक कर लेना जरूर और इन दोनों को प्लस करोगे आपको तो ये आएगा थ्री फोर uh, ग्राम ठीक है तो लेफ्ट वाला पेन डाउन होगा फिर राउट वाला राइट वाला डाउन होगा जिधद वेट ज़्यादा है वही डाउन होगा ना इट मीन्स राइट आंसर विल बी फॉर दिस वन ठीक है ये आपका आंसर आ गया ठीक है यहाँ पे आपको एरो लगा देना है नेक्स्ट इसमें देखो तो यहाँ पे तो इतना सारा वेट लगा रखा है कोई दिक्कत नहीं है आपको तो प्लस करना आता है यू कैन प्लस ऑल द थ्री वेट्स ठीक है इन सब इन सबको प्लस करना आप इन सबको प्लस करोगे ना तो ये सबको प्लस करने पर वन थाउजेंड ग्राम आएगा कितना आएगा वन थाउजेंड ग्राम और इसको प्लस करो ये तो सिक्स और टू एट हंड्रेड फिफ्टी फोर ही हो रहा है ज़्यादा नहीं हो रहा है है ना ये आपको ऐसे नहीं करना है इसको आपको रफ कॉपी में प्लस करके चेक करना है तो ज़्यादा ज़्यादा कौन सा होगा लेफ्ट वाला ज़्यादा है राइट वाला क्या है कम है तो लेफ्ट वाला क्या होगा डाउन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एरो लगाना है ठीक है दिस इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट नंबर फाइव यहाँ भी देखो इधर दो वेट है यहाँ पर केवल सिंगल वेट है लेकिन ऐसा नहीं है सिंगल भी ज़्यादा हो सकता है तो आपको प्लस करना पड़ेगा यू कैन सी प्लस नहीं करना है तो आप सिंपली देखो ना आपको देख के मालूम पड़ जा रहा है ये 196 है सिक्स है वन नाइन्टी सेवन लेकिन यहाँ वन नाइन्टी सिक्स के ऊपर 20 ग्राम भी तो रखा हुआ है इट मीनस आपको प्लस करना ही नहीं है आपको मालूम है ये वाला जो है वेट ज़्यादा है तो ये वाला क्या होगा ये डाउन हो जाएगा आंसर आपका ये रहा क्लियर ओके नेक्स्ट वन दैट इज़ लास्ट वन बंद यहाँ पे दो वेट रखे हुए यहाँ भी दो वेट रखे हुए मेरे दोनों को प्लस करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि देखो ये नीचे वाला सेवेंटी है तो उससे ज़्यादा ही है हंड्रेड ग्राम ये थर्टी सिक्स है ये उससे ज़्यादा ही है मतलब तो दोनों वेट क्या है इन दोनों वेट से ज़्यादा ही है इट मीन्स आंसर विल बी येस द राइट साइड वाला जो है वो ज़्यादा होगा तो वो डाउन हो जाएगा है ना तो ऐसे आपको वेट के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर सारे देने हैं क्लियर नाउ यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पैन इक्वल टू वन किलोग्राम मार्क इट अब बताओ ये वन किलोग्राम कहीं मिला था क्या हमने सारे के सारे वेट को प्लस किया कहीं भी आपको वन किलोग्राम मिला क्या नहीं मिला ना मिला था बिकॉज़ वन किलोग्राम का मतलब होता है वन थाउजेंड ग्राम और वन थाउजेंड ग्राम क्या था हमें रास्ते में मिला था और वो कौन सा पेन था उस पेन को हम बुलाते हैं वन किलोग्राम या वन थाउजेंड ग्राम वाला पेन हाजिर हो और ये आपका हाजिर हो गया है ना ये आपका देखो आपके सामने आ गया आप ये पैन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना अब देखो इस पैन में जो लेफ्ट वाला था ना वेट ये क्या था इसको प्लस करने पर हमको 1000 ग्राम मिला था नहीं पता है नहीं याद आ रहा है देख लेना फिर से एक बार इन तीनों इन तीनों तीन तीन वेट को आप प्लस करके देखो टोटल कितना आएगा इन सबको प्लस करोगे ना आप एक बार चेक कर लेना प्लस करके ये आपका वन ग्राम आएगा और वन ग्राम का मतलब क्या होता है वन किलोग्राम इट मीनस दिस इज द ओनली वेट ठीक है विच हैज वेट ऑफ वन किलोग्राम ठीक है इस इस बैलेंस में क्या है जो लेफ्ट साइड का पैन है उसका वेट कितना है वन किलोग्राम है ठीक है मार्क इट आगे क्या लिखा हुआ है मार्क इट तो इसको आप मार्क कर दो ऐसे आप यहाँ पे मार्क कर देना जैसे आप मार्क किया है वैसे आपको यहाँ पे मार्क कर देना है ठीक है ये आपका इस क्वेश्चन का पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ग्राम्स आर दे इन वन किलोग्राम अभी देखो हमने बात किया ना इन वन किलोग्राम यू हैव वन ग्राम है ना मतलब वन किलोग्राम क्या होता है उसके अंदर वन थाउजेंड ग्राम होते हैं ठीक है मतलब ग्राम वाला क्या होता है? होता है 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 छोटा सो यू कैन राइट लाइक दिस आर इन किलोग्राम ठीक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स ठीक है अब हम ग्राम्स और किलोग्राम्स के बारे में कुछ बात कर लें क्योंकि तो ये नया चीज है ना नया नहीं है आप जानते हो इसके बारे में फिर भी एक क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर वन थर्टी एट लेस सी नेम फाइव थिंग्स दैट वी यूजली बाई यूजअली मतलब क्या है जनरली हम बाई करते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि वो पूरा ज़रूरी है बाई करना लेकिन हम जनरली वो वो या तो उसको ग्राम में बाई करते हैं ठीक है वो चीज़ें जनरली क्या है ग्राम में बाई करते हैं और और कुछ चीज़ें होती हैं उसको हम किलोग्राम में ही खरीदते हैं तो लेट्स सी द आंसर यस दिस इज योर आंसर इसको आप फिल कर लेना चार्ट में ग्राम वाली चीज़ कौन सी है जैसे चिली पाउडर चिली पाउडर तो ज़्यादा यूज करते नहीं हम थोड़ा थोड़ा थो यूज करते हैं ना डेली चिली पाउडर हम ग्राम में ही वेट कर मतलब खरीदते हैं कभी सौ हंड्रेड ग्राम टू हंड्रेड ग्राम ठीक है फिफ्टी ग्राम ऐसे हम वेट करते हैं इसको या फिर खरीदते हैं टर्मेरिक पाउडर देखो ज़्यादा तो खरीदते नहीं है जब आप मार्केट जाते हो तो टर्मेरिक पाउडर ज़्यादा नहीं खरीदते हो ना आप हंड्रेड ग्राम टू हंड्रेड ग्राम है ना टू फिफ्टी ग्राम ऐसे आप लेते हो क्लोब देखो ये तो बहुत कम लेते हैं हंड्रेड ग्राम फिफ्टी ग्राम ट्वेंटी ग्राम भी लेते हैं है ना तो ये आपकी चीज़ें हैं जो ग्राम में हम कार्डमम कार्डमम भी है तो बहुत थोड़ा सा लेते हैं हम है ना क्योंकि कॉस्टली भी होता है और इसका वेट क्या है हल्का होता है थोड़ा सा ही लेते हैं इसको और एलम एलम भी क्या है ज़्यादा हम यूज होता नहीं है तो हम भी इसको ग्राम में ही वेट मतलब परचेज करते हैं अब ये चीज़ें हैं ना जो किलोग्राम में हैं वो जनरली यह क्या होती है ज़्यादा यूज़ होती हैं है ना तो देखो पोटैटो पोटैटो तो हम देखो सब्जियों तो का ही तो राजा है वेजिटेबल्स का किंग है ये तो पोटैटो तो चाहिए हमें यहाँ पे बटाटा बोलते हैं ना राइस हो गया ये भी चाहिए हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए होता है वेट चाहिए होता है एप्पल चाहिए होता है सूखा ये डेली चाहिए होता है ज़्यादा क्वानिटी में चाहिए होता है इसलिए हम इसको हम किलोग्राम में वेट करके परचेज करते हैं क्लियर हो गया ना आपको ठीक है सॉरी नेक्स्ट इज देयर लेट्स गो टू यस विच इज हैवियर ये बहुत ही फनी इंसिडेंट है देखो ये बहुत ही मज़ेदार दो बच्चे यहाँ पे हैं ठीक है ठीके? क्या बोल रहे हैं वो विच इज है भी? आपको फाइंड करना है हैवी कौन सा है देखो आपके पास वन किलोग्राम का कॉटन है कॉटन मतलब पता ही कितना हल्का होता है वो लेकिन आपके पास वन किलोग्राम कॉटन है और वन किलोग्राम का आयरन है तो हैवी कौन होगा चलो पता करते हैं देखो किसी बच्चे ने किसी को पीलो से पीलो फेंक कर मारा पीलो पीलो आपको पता है ना पीलो में क्या होता है कॉटन होता है और किसी बच्चे ने फिर उसको ये वाटर से मारा ठीक है तो इधर से वाटर इसने पीलो से मारा दूसरे बच्चे ने उसको वाटर मेलन फेंक के मारा तो हुआ क्या देखो ये बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं सर सी थ्रू अ हैवी वाटर मेलन एट मी ये बच्चा बोल रहा है कि देखो इस बच्ची ने मुझे हैवी है, है वाटर मेलन से मारा तो देखो अब बच्ची का बता रही है ये बच्ची जो है ना बता रही है ही थ्र्यू अ वन के जी पिलो ऑफ कॉटन है ना तो ये बच्चे ने क्या है इस बच्ची के ऊपर वन के जी का जो कॉटन का पिलो है ना वो फेंका था इसके ऊपर मारा था उससे सो आई थ्री यू वन के जी वाटर मेलन उसने बोला उसने मुझे वन के जी पिलो से मारा वन के जी देखो ये पीलो है वन के जी का ये भी यह वेट है और ये वाटर मेलन का भी वेट क्या है ये भी वन के जी है तो ये बोल रही है तो मैंने इसको वन के जी वाटर मेलन से मारा येस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ वन के जी कॉटन एंड वन के जी मेलन इज इक्वल यस यही आपको समझना है ठीक है क्योंकि वेट क्या होता है इक्वल होता है सेम होता है मान लो आपको कोई चीज़ हल्की होती हैं तो वो ज़्यादा होती हैं लेकिन कुछ हैवी कुछ चीज़ें है होती हैं उसका वेट बराबर ही होगा ठीक है लेकिन वो मोटी होती हैं ठीक है ठीक है, है? इसलिए उसमें आपको ये नहीं समझना है कि कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हैवी होगा ये नहीं आपको बस आपको वेट देखना है अगर वहाँ पर वन के का वन किलोग्राम कॉटन है और वन किलोग्राम आयरन है दोनों क्या होंगे सेम होंगे दोनों का वेट क्या है सेम होगा ठीक है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा तो इसने जो वन के जी वाटर मेलन से मारा और इसने वन के जी वाले पीलो से मारा दोनों का वेट क्या है वन के जी ही है ठीक है इसमें कोई हैवी या कोई लाइट नहीं है दोनों का वेट क्या है सेम है ठीक है ये आपका सेम वेट के बारे में ये आपका एक छोटा सा स्टोरी था ठीक है तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन uh, को नोट कर लेना और आपको ग्रुप में टाइमली आपको सेंड करना है ठीक है थैंक यू टेक केयर